हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी हाउ टू मेक अ राइस मास्क एंड बेस्ट वे टू अप्लाई इट। इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइस चाहिए, आप कोई से भी राइस ले सकते हैं, और हमें इसे चाहिए हाफ कप। उसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेना, और ये धोने के बाद हम इसे पका लेंगे जैसे हम नॉर्मल कोई से भी चावल पकाते हैं। तो उसके लिए हम पहले डालेंगे डबल पानी, जितना भी हमने राइस दिया उससे ज़्यादा, और उसके बाद हम अपने राइस धुले हुए इसमें डाल देंगे और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि बहुत लो फ्लेम में पकाना है और ऐसे पकाना है कि सारा पानी उसी में सूख जाए और हमें कोई पानी छानना ना पड़े। तो लो फ्लेम पे पकाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे ब्लेंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने मिक्सी यूज़ की है। मैंने सारे राइस को मिक्सी में ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, बट अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो। बट अगर आपको ये पेस्ट बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें कोल्ड वाटर भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लो और ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसे एक कंटेनर में निकाल सकते हो। मास्क हेल्प करेगा आपको एंटी एजिंग में, आपकी स्किन टाइट करने में, आपके पोर्स कम करने में, और आपको एक ग्लोइंग ग्लास स्किन देने में। एक बार आपने इसे निकाल लिया, उसके बाद आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो, और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे फ्रिज में 1 से 2 वीक के लिए स्टोर कर सकते हो और वो ख़राब नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ इट। तो सबसे पहले आपको किसी भी जेंटल फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद अपने बालों को टाई करके एक लेयर अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। उस एक लेयर के ऊपर एक और लेयर अप्लाई करनी है, उससे भी ज़्यादा थिक। उसके बाद आप इस मिक्सचर को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगा हुआ छोड़ दो, और फिर जेंटली सिर्फ वाटर की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो। आपको कोई सोप या कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप अपने फेस को पैट ड्राई कर लो, और उसके बाद आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और रिफ्रेशिंग लगेगी, और एक हल्का सा शाइन भी आपके फेस पे आ जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो आप राइस वाटर स्प्रे यूज़ कर सकते हो एज ए टोनर के टाइप में, और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।